वाला, उसने फंडा बताया पता नहीं किस हद तक सही है, मुझे ठीक ही लगा। जैसे आप एक वैगन की आप दूरी देख लो, इससे इससे जो है दूरी देखो, उसकी दूरी हमारी ज्यादा है, इसकी दूरी हमारी कम है, है ना। ये देखो एक दो तीन, एक दो तीन, लेकिन हैंड ब्रेक इस साइड में है, इतनी दूरी हमारी ज्यादा है, मीन्स वहां तक की दूरी ज्यादा है। तो जहां तक की हमारी दूरी ज्यादा है, अगर हम उस साइड में हम कस रहे हैं इसको, तो हम हैंड ब्रेक हम कस रहे हैं, हैंड ब्रेक हम लगा रहे हैं। अच्छा, ये फंडा बताया। और जिस साइड में हमारी दूरी कम है, उस साइड में हम घुमा रहे हैं, तो हम हैंड ब्रेक को हम रिलीज कर रहे हैं, हैंड ब्रेक हम छुड़ा रहे हैं। फंडा ठीक लगा उसका। और भी वैगन में हमने अप्लाई किया, इधर कम है उधर, उधर अगर जहाँ पे हमारी दूरी कम है, हम जैसे हमारी दूरी वहाँ कम है, हम उसकी हम जो है ना उसकी साइड हम घुमा रहे हैं। ये देखो ये हमारी दूरी कम है, इसकी साइड हम घुमा रहे हैं, तो हैंड ब्रेक हम हटा रहे हैं। और यहाँ पे हमारी दूरी ज्यादा है हमारी, इसकी साइड हम अपना ये चक्का घुमा रहे हैं, तो हम हैंड ब्रेक कस रहे हैं। चलो एक फंडा तो ये हो गया। एक चीज और, डीवी के अपोजिट में डिस्ट्रीब्यूटरी वॉल की उस साइड में पल्ली साइड में हमारा जो है हैंड ब्रेक का जो होता है चूड़ी जो होती है, जो होता है पिस्टन चूड़ी वाला और गुट का, वो हमेशा उस साइड में होता है। जैसे ये देख लो डीवी हमारी यहाँ पर है, उसका जो है, हालांकि जो है ब्रेक सेंटर तो वहां पे है ही है, ब्रेक सेंटर तो हमारा वहां पर है ही। इन केस ये ब्रेक सेंटर हमारे ट्रॉली के यहाँ होता, यहाँ पर ट्विन पाइप वाला होता, यहाँ पर होता, तो भी हमारा जो है गुटका और चूड़ी उस साइड में होती। ये हम आगे हम देख लेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, जो आपको मतलब मिलता नहीं है ना बीसीएन में, कहाँ यार हैंड ब्रेक हम कहाँ कस रहे हैं, दिख तो रहा ही नहीं कुछ, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसी का मैं जो है सेम वर्जन आगे दिखाता हूँ, आओ आगे आ जाओ। अब इसमें हैंड ब्रेक कहाँ है पता ही नहीं, हैंड ब्रेक हम कैसे कसे, मतलब उसका व्हील कहाँ है। आप ये देखो, ये व्हील टूटा है। अब देखो ये देखो, ये देखो उस साइड दूरी ज्यादा है, उस साइड दूरी ज्यादा है ना, तो हम हैंड ब्रेक हम कस रहे हैं, और इस साइड हमारी दूरी कम है और हम इस साइड घुमा रहे हैं, तो ये देखो ऑन और ऑफ भी लिखा हुआ है, तो हैंड ब्रेक हम रिलीज कर रहे हैं। कभी कभी भैया ऐसा होता है ना कि जैसे अब जो होता है बॉक्सर नेचर का जो होता है, बॉक्सर नेचर में होता है पीछे की साइड, अगर वो हैंड ब्रेक का जो होता है, हमारी जो स्टीयरिंग होती है वो हमारी बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, तो हम हैंड ब्रेक हटा रहे हैं, और जब अंदर जा रही है वो उसकी स्टीयरिंग, हैंड ब्रेक हम लगा रहे हैं। कभी कभी ये लिखा जरूर होता है, लेकिन ठीक इसके अपोजिट वर्क करता है, उल्टा वर्क करता है। तो इसीलिए ये वाला फंडा लाए है, इसलिए ये जो है ना दूरी कम। अरे ये सब फंडे छोड़ो यार, सीधी सीधी बात है, जब भी आप हैंड ब्रेक करो इधर आओ, ये देखो वो सब फंडे छोड़ो, अपना फंडा ध्यान रखो। इसमें रिलीज है, डीवी उस साइड थी, डीवी वहां पर थी, ठीक है। अब ये देखो ये हमारा ब्रेसलेट, इसको छोड़ो, ये देखो ये रहा हमारा, ये रहा गुटका, ये रही हमारी चूड़ी, चूड़ी वाला पिस्टन है ना यहाँ पे, ये है हैंड ब्रेक, ठीक है। जो आप मैनुअल तरीके से आप इसको आप कसोगे, तो आप इसकी आप चूड़ी आप कस रहे हो, चूड़ी आप कस रहे हो, तो मैनुअल तरीके से हमारा ब्रेक सेंटर का पिस्टन हमारा बाहर निकल आएगा, क्योंकि ये जो है ये हमारा जो है ना बाहर आएगा, तो ये हमारा और तन जाएगा, और बाहर आएगा और तन जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। इसलिए जब भी आपके हैंड ब्रेक ना खुले, अगर लोको पायलट से अगर बात हो रही है, तो भैया तू 1 kg जर प्रेशर गिरा दे, वो जो है प्रेशर वो गिरा देगा, तो ये पिस्टन और बाहर आ जाएगा, तो जो होता है जो टेंशन और तनाव वो हमारा कम हो जाएगा, तो आप हैंड ब्रेक आराम से खोल लोगे। बात नहीं हो रही है तो कोई नहीं, डीवी की साइड जाओ, उसका एक्सेलरेटिंग हैंडल उठा दो, पिस्टन बाहर निकल आएगा, तो आप हैंड ब्रेक आप खोल लो, उसके बाद जो है डीवी का एक्सेलरेटिंग हैंडल आप गिरा दो, और उसकी क्विक रिलीज वाल्व खींच दो, तो आपका जो है बीपी इक्वल टू सीआर हो जाएगा, पिस्टन आपका अंदर हो जाएगा, ब्रेक भी आपके रिलीज हो गए, ठीक है योगेश। ठीक ये फंडा है, देखो क्या बीसीएन हुआ, बॉक्सन एचएल हुआ, कोई भी वैगन हुआ, उसके डीवी के अपोजिट साइड में मेरा हैंड ब्रेक की क्या चूड़ी और पिस्टन रहेगा। अमूमन लोग इसमें फिर कंफ्यूज रहते हैं। अब आप आ जाओ, ये तो हो गया इसका, अब जो होता है क्या बॉक्सन एचएल का, हमेशा जो है डीवी की साइड में आओ, उस साइड आओ, डीवी है उधर, आओ यहाँ बताओ, अंदर होता है, यहाँ पर एक होता है सेंसिंग डिवाइस, जो हम बोलते हैं चिड़िया, वो ट्रॉली पर ही होती है, ट्रॉली पर, और वो
डीवी की इस साइड में होती है या इस साइड में या इस साइड में, जहाँ पे डीवी पास होगी वहाँ पे आपको दिख जाएगी। सेंसिंग डिवाइस जो होता है, अगर गाड़ी के अंदर वो ब्रेकिंग है तो वो सेंसिंग डिवाइस की जो चिड़िया वो नीचे पे गिरी होती है, वो जो है ट्रॉली का जो फ्रेम है साइड फ्रेम उसके ऊपर टिकी होगी है। और जब जो है जब आप जो है ब्रेकिंग जब उसमें रिलीज हो जाएगी तो वो सेंसिंग डिवाइस अपना ऊपर हो जाएगा। तो आप ये भी आप देख सकते हैं कि सेंसिंग डिवाइस हमारा ऊपर है कि नीचे, नीचे है मतलब गाड़ी में ब्रेकिंग है, हमारे जो है ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन बाहर निकला है और उसके अंदर क्या होता है पिस्टन हमारा ब्रेक सिलेंडर अंदर होता है उसका पिस्टन भी ठीक है। अब आपको मैं क्या ड्रेन प्लग दिखाया था, ड्रेन प्लग इसमें होगा। जब सारे ब्रेकिंग का हर चीज फेल हो जाए, आइसोलेट भी कर लिया तब भी नहीं हो रहा, पिस्टन अंदर नहीं जा रहा, तो ये है रामबाड़ इलाज। ये है ड्रेन प्लग, इसको जो है ना एडजस्टेबल रेंच होती है लोगो पार्ट के पास, इससे आप जो है इसको बहुत हल्की मात्रा में खोल दीजिए ताकि ऑक्सिलरी रिजर्वायर का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर से हमारा बाहर निकल जाए और हमारी जो है जो ब्रेक एप्लीकेशन है वो हमारी नील हो जाए, हमारा पिस्टन हमारा अंदर वापस आ जाएगा ठीक है ना। और जो होता है ब्रेक बाइंडिंग सब बता ही दिया है मैंने आप लोगों को, कैसे रिलीज करना है, सारे रास्ते फेल हो जाए तो ड्रेन प्लग का आप जो है खींच दीजिए। लेकिन इसको अगर खींचते हैं इनकेस मतलब निकालते हैं, निकालना नहीं है, हल्का सा बस इसको क्या ढीला करना है ताकि जो है प्रेशर बाहर निकल जाए, टाइट कर दिया फिर इसको आप टाइट कर दें ठीक है, इससे हमारा जो होता है प्रेशर बाहर निकल आएगा और लोड हमारा रिलीज हो जाएगा ठीक है।